दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है अपना तीसरा क्लास, ठीक है। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से आप देखिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। बाकी एप्लीकेशन पर भी कोर्स चल रहा है, अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक भी हम डाल देंगे सर, ठीक है। यहां पर हम पूरा कोर्स आपको कायदे से पढ़ाने वाले हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई फिजिक्स आपकी दो पार्ट में है सेकेंड सेमेस्टर की। क्या है? एक तो थर्मोडायनामिक्स है और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई। तो अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपको आने ही चाहिए मेरे भाई। इनमें से ही पेपर में एक दो आते ही आते हैं, आएंगे यार। अरे जो पढ़ रहा है उसके लॉ ही नहीं आएंगे क्या? जरूर आएंगे। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। क्या कहते हैं? शून्यांकी नियम। क्या होता है हम आपको समझाते हैं, जरा देखिए। बिल्कुल आसान है, हमने पहले भी बताया हुआ है ये कि बाय चांस मेरे भाई ये एक आदमी है ए और एक आदमी है बी और एक तीसरा आदमी है सी, ठीक है। ए और सी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बी और सी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस बात की गारंटी है ये दोनों भी दोस्त तो होंगे ही, आपस में एक दूसरे को जानते तो होंगे ही। क्या मतलब है समझिए कि अगर ए और सी आपस में दोस्त हैं, बी और सी आपस में दोस्त हैं, तो ए और बी भी भैया जानते ही होंगे। आप ट्राई कर लेना, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, आप उसे जानते होंगे, जानते ही होंगे मेरे भाई, अगर वाकई में अच्छे दोस्त हो। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि भैया यहां देखो, पहले हम आपको चित्र समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। डायग्राम देखिए आप, यहां देखिए, ये है मेरे भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है जरा समझिए। देखो भैया यहां पे हमने आपको तीन चीजें बताई, बताओ ये क्या है? पी, ये क्या है? क्यू, और ये क्या है? आर, ठीक है। आराम से समझिएगा, ये जो चारों तरफ वॉल्स हैं मेरे भाई, ये हैं एडियाबेटिक वॉल्स। सर जी एडियाबेटिक वॉल्स क्या होती हैं? एडियाबेटिक का मतलब होता है रुद्धोष्म, जहां ऊष्मा इधर से उधर नहीं जा सकती है, यानी बीच में ये जो वॉल है ये कैसी है? एडियाबेटिक है। मतलब पी और क्यू के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मतलब पी और क्यू जो है वो थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल, मतलब अगर आपस में कहें तो एक स्टेट में नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है मेरे भाई, ठीक। लेकिन ये वाली जो वॉल है ये क्या है? ये है कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग का मतलब क्या है? यहां से यहां हीट जा सकती है, ऐसे ये वॉल भी कंडक्टिंग, तो यहां से यहां हीट जा सकती है। तो समझ में क्या आ रहा है कि पी और आर आपस में देखो हीट का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्यू और आर आपस में हीट का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कनेक्टेड है। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये बीच में मेरे भाई एक तरीके से दोस्त जो है वो इनसे भी जुड़ा हुआ, इनसे भी जुड़ा हुआ, जो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा जरा समझना मेरे भाई, यही हमने लिखा हुआ है। हमने लिखा इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि दो बॉडीज, पहली बॉडी क्या है? पी, दूसरी क्या है? क्यू, एक थर्ड बॉडी आर के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है मेरे भाई? ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक मान बराबर नहीं हो जाता मेरे भैया। तो लो भाई पी और आर आपस में किस में होंगे? अगर ये कंडक्टिंग वॉल है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों आपस में भी फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही मेरे भाई लॉ लिखा हुआ। क्या है लॉ? कि अगर दो बॉडीज P और Q किसी तीसरे R के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो P और Q स्वयं भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या जैसे लिखा, अब ये ताप क्या होता है, साथ साथ में ये भी पूछ लेता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी बताओ। तो टेम्परेचर क्या, इसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो टेम्परेचर क्या है? कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है, उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर मेरे भाई। तो किसी बॉडी के ठंडेपन या गर्माहट की माप को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। कोई बॉडी कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है, इसे ही हम लोग कहेंगे टेम्परेचर। माना पी और क्यू दो बॉडीज हैं, संपर्क में रखी गई हैं, ऊष्मा अधिक टेम्परेचर वाली बॉडी से कम वाली बॉडी की ओर ट्रेवल करती है, तब तक ट्रेवल करती जब तक बॉडीज के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। इस स्टेट को पी और क्यू के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके पश्चात हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। यानी सरल भाषा में अगर आपसे कोई कहे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसके आधार पर टेम्परेचर को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो क्या बताओगे आप कि भैया कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है कितनी ज्यादा ठंडी है, यही टेम्परेचर है। हमेशा हीट ज्यादा वाले से कम वाले भाग की ओर जाएगी, तब तक जाती
नहीं रहेगी जब तक जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो जाती हीट की। इसी को हम लोग स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया? किसी बॉडी का टेम्परेचर वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे यह ज्ञात होता है कि बॉडी अन्य बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। यह कैसे डिसाइड करोगे टेम्परेचर से कि अगर ज्यादा से कम की तरफ गया है और दोनों का मान बराबर हो गया है तो वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर बराबर नहीं है मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म माने हीट, थर्म मतलब हीट, हीट मतलब ऊष्मा यार। ऊष्मा हमेशा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की ओर जाती है। इसे आराम से समझाते हैं। बाई चांस आपने कभी गर्मियों में कोई लोहा पकड़ा होगा तो देखा होगा लोहा बड़ा गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों की बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई? उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों की बॉडी का गर्मी में बाहर का टेम्परेचर बहुत होता है। मान लिया बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है तो अब होगा क्या? आपने लोहा पकड़ा, शरीर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाले भाग से हीट कम वाले भाग में आएगी। जैसे आपने लोहा पकड़ा, लोहे से ऊष्मा हमारी बॉडी में आने लगेगी और हमें गर्म लगेगा। लेकिन वही अगर आपने ठंड में पकड़ा तो ठंड में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। मान लिया बाहर का टेम्परेचर 10 है, अब हमारी बॉडी में ऊष्मा ज्यादा इस समय है तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा है तो जैसे हमने पकड़ा हमारे शरीर से ऊष्मा जाने लगेगी, और जब ऊष्मा जाएगी तो हमें वही लोहा ठंडा लगने लगेगा। इसी वजह से ठंडों में चीजें ठंडी लगती हैं, गर्मियों में चीजें गर्म लगती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है मेरे भाई, इसी वजह से गर्मी लगती है। आपने देखा नहीं टेम्परेचर 50 हो गया, अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 50 है तो ऊष्मा ज्यादा से कम वाले भाग की तरफ आएगी, गर्मी लगेगी भाई, सीधी सी बात है। उसी तरीके से अगर ठंड बहुत हो गई, बाहर का टेम्परेचर 5 हो गया, तो जब बाहर का टेम्परेचर 5 हो गया हमारा है 37, तो ऊष्मा बाहर जाएगी बहुत तेजी से। इसी वजह से ठंडों में भूख ज्यादा लगती है, ऊष्मा बहुत तेजी से बाहर जा रही है, और जब ऊष्मा बॉडी में कम होगी तो शरीर को ऊर्जा तो चाहिए ना, तो फिर ज्यादा खाना खाओगे आप ठंड में। ये सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की ओर जाती है, तब तक जाती रहती है जब तक मान बराबर ना हो जाए। इस तरीके का आप एक डायग्राम बना देंगे और दिखा देंगे कि मेरे भाई P और R दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, R और Q दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो P और Q भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक मतलब रुद्धोष्म वाली दीवारें हैं, ये यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा नियम समझ में आ गया होगा, पूरा लॉ समझ में आ गया होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा BD Cadian BSc। थैंक यू।